जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैं बताया था कि कूलपैड की तरफ से एक नया स्मार्टफोन इंडिया पे आने वाला है जो कि है कूलपैड कूल 6। काफ़ी अच्छा लुक और डिज़ाइन के साथ आ रहा था क्योंकि पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा सबसे सस्ता प्राइस में। तो फाइनली वो फ़ोन इंडिया पे लॉन्च हो गया है और सही प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है, ज़बरदस्त फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। तो चलिए आज जान लेते हैं कूलपैड कूल 6 का प्राइस कितना रखा है, क्या क्या फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है और ये फ़ोन आपको कहां पर मिलेगा। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, उससे पहले चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल का घंटा है उसको जरूर दबाइए। कूलपैड कूल 6 जो है वो कूलपैड कूल 5 का सक्सेसर है और कूलपैड कूल 5 जब इंडिया पे आया था तो वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले के साथ आया था और उतना ज़्यादा फीचर्स बेहतर नहीं था, लेकिन कूलपैड कूल 6 में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड किया गया है। इसका लुक और डिज़ाइन भी बेहतर किया गया है और फीचर्स भी ज़बरदस्त दिया गया है क्योंकि पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ आता है तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले लुक और डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो फ्रंट में आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसमें ना ही पंच ना ही वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है। बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा है, LED लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर है। दो कलर वेरियंट में फ़ोन को लॉन्च किया है, एक है ब्लू दूसरा है सिल्वर, दो कलर में लॉन्च किया है। लुक और डिज़ाइन सच में बेहतर है और सस्ते में सबसे बेटर मतलब लगता है क्योंकि पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ है। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स भी ज़बरदस्त दिया गया है। जिस प्राइस रेंज में मोबाइल लॉन्च किया है इस प्राइस रेंज में मार्केट में बहुत सारा मोबाइल है जिसमें HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इस मोबाइल में FHD प्लस मतलब फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला अल्ट्रा व्यू डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले है। 6.53 इंच का है तो परफेक्ट साइज का डिस्प्ले आपको इस मोबाइल में मिल जाता है, वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। बाकी कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है जिसमें सेकेंडरी सेंसर मिलता है 2 मेगापिक्सल का, लास्ट वाला सेंसर 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। LED लाइट भी आपको बैक साइड में मिल जाएगा, यानी रियर कैमरा ठीक ठाक आपको मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसका हाईलाइट फीचर्स है क्योंकि पॉपअप सेल्फी कैमरा है और 21 यानी 21 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको इस मोबाइल में मिलेगा जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी अगर बात करें प्रोसेसर का तो सबसे बेहतर प्रोसेसर दिया गया है, MediaTek Helio P70 का चिपसेट है जो कि काफ़ी अच्छा चिपसेट है। इसमें आप किसी भी तरह का गेम खेल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, हैंगिंग हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 2.1 GHz स्पीड में क्लॉक है। रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो दो वेरिएंट में फ़ोन को लॉन्च किया है, 4GB 64GB और 6GB 128GB। प्राइस मैं आपको बाद में बताता हूँ। और अगर बात करते हैं बैटरी का तो 4000 mAh का बैटरी इस मोबाइल में दिया गया है, साथ में आपको USB Type-C का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा मोबाइल में आपको Android 10 का सपोर्ट मिलेगा, बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक का भी सपोर्ट है, ड्यूल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट है, मतलब दो दो जियो का सिम आप यूज कर सकते हैं और इस मोबाइल में दो सिम कार्ड यूज कर सकते हैं, साथ में आपको microSD कार्ड यूज करने का भी मौका मिल जाएगा। और इसके अलावा मोबाइल में आपको OTG का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर प्राइस की बात करें तो 10,999 में 4GB 64GB वेरिएंट आपको मिल जाएगा Amazon पे और 6GB 128GB जो है वो आपको 12,999 में मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 4GB 64GB जो वेरिएंट है वो सबसे बेस्ट है 10,999 यानी 11,000 में। और 10,000-11,000 में मार्केट में आपको मिल जाएगा Redmi 9 Prime, Poco M2, Infinix Hot 10, टेक्नो कैमोन 16 जो कि कुछ दिन पहले इंडिया पे लॉन्च हुआ है। सारे मोबाइल में बेहतर फीचर्स है। तो अगर आप सोच रहे हैं कूलपैड कूल 6 ज़्यादा बेहतर है तो नहीं, लेकिन कुछ फीचर्स तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है जैसे कि पॉपअप सेल्फी कैमरा 21 मेगापिक्सल का जो कि आपको दूसरा ब्रांड में देखने को नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मोबाइल सही है, मतलब 10,999 में आपको सही फीचर्स दे रहा है, लेकिन एक नेगेटिव फीचर्स ये भी है कि इसमें बैटरी कम देखने को मिल रहा है, 4000 mAh का बैटरी है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देता तो अच्छा होता लेकिन नहीं है। तो इस प्राइस रेंज में मोबाइल सही है या फिर नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी कूलपैड कूल 6 के बारे में आपको कुछ भी राय है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल का घंटा उसको जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।